बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जोधपुर, और उसी का कॉलेज गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के फाइनल के बच्चे बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में एक टॉपिक उन्हीं के लिए बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम। और आज बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम में हम लोग स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर और एक्स वाई रिकॉर्डर, ये दो रिकॉर्डर को कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर एंड सेकेंड इज एक्स वाई रिकॉर्ड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर और एक्स वाई रिकॉर्डर दोनों ही रिकॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2016 और 19 में दो बार एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। सेम ऐसे ही हमारे पास में 2017 एंड 18 में एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एक्स वाई रिकॉर्डर विद द नीट ब्लॉक डायग्राम एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम देखते हैं कि 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में लगातार स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर और एक्स वाई रिकॉर्डर मेन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता रहा है। इसलिए इस बार भी इन दोनों में से एक रिकॉर्डर मेन एग्जाम के पेपर में आने वाला है। तो स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर जो बीटीआर के 2016 और 19 में आया, ये स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है दैट फैसिलिटी राइटिंग डाउन द इंफॉर्मेशन डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन द अदर एक्टिविटी इन ग्राफिकल फॉर्म। हमारे को एक ग्राफ पेपर पर उस डेटा को पेन की सहायता से स्केच करना है। यहाँ पर जो ग्राफ पेपर है वो भी मूवमेंट कर रहा है और पेन भी मूवमेंट कर रहा है, और ये डेटा हमारे पास में आते हैं ईसीजी से, ईजी से, ईएमजी से। जब भी अपन इनकी रिकॉर्ड इलेक्ट्रोड्स की सहायता से आउटपुट जब आता है तो वो आउटपुट हमें एक्स वाई एक स्ट्रिप चार्ट पर प्रिंट होकर आता है। देखते हैं किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। द स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल आर दोज इन विच डाटा इज रिकॉर्डेड ऑन ए कंटिन्यूस रोल ऑफ द चार्ट पेपर मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड। तो ग्राफ पेपर है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूवमेंट करता रहता है और जो भी डेटा है वो उस पर रिकॉर्ड होता है। द रिकॉर्डर रिकॉर्ड्स द वेरिएशन ऑफ वन और मोर वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ में वो स्टाइलस जो है पेन उस पेपर पर मूवमेंट करता रहता है और हमें एक स्ट्रिप के रूप में आउटपुट मिल जाता है स्केच होने के बाद में। ये लेबोरेटरी में रखा हुआ हमारा स्ट्रिप रिकॉर्डर है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ पेपर साथ में अटैच है इसलिए इसको स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर कहते हैं। दिस इज स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर। डेटा इज रिकॉर्डेड ऑन कंटिन्यूस रोल ऑफ द चार्ट पेपर मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पेपर है ग्राफ पेपर ये भी मूवमेंट करता है, और यहाँ पर ये जो आपको वेवफॉर्म दिखाई दे रही है यहाँ स्टाइलस जो है पेन से ये भी एक्स वाई डायरेक्शन में। आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। ये देखिए ये पेपर मूवमेंट कर रहा है धीरे धीरे और साथ में एक्स वाई डायरेक्शन में ये वेवफॉर्म भी मूवमेंट करती जा रही है। इस तरह से मूवमेंट पेपर का भी मूवमेंट हो रहा है और एक्स वाई डायरेक्शन में भी ये स्टाइलस वेवफॉर्म आ रही है। अब हमें इसकी वर्किंग हमने देख ली है, लेकिन एग्जाम में लिखना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिखने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है एक ब्लॉक डायग्राम की, और ब्लॉक डायग्राम से पहले देखते हैं ये प्रिंट होने के बाद में ये स्ट्रिप अपने पास में आ चुकी है। इसको अपन जब भी डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स होती है उस रिपोर्ट के अंदर स्टेक कर देते हैं। डॉक्टर इस वेवफॉर्म को एनालिसिस करता है और फिर उसके बाद में वेवफॉर्म को देख के पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। तो बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्ड जो एग्जाम की कॉपी में हमको लिखना है। ये दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, और इसको सबसे पहले एच बी की डार्क पेंसिल से बनाया जाए, स्केल से बनाया जाए। डायग्राम जितना सुंदर होगा उतने हमें अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है, और सारी इंफॉर्मेशन या लेबल होनी चाहिए कि कहाँ से इंफॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड, रेंज सेलेक्टर स्विच है,
ये स्टाइलिश ड्राइवर सिस्टम है, स्टाइलिश पैन जो है, चार्ट है, देन द चार्ट स्पीड सेलेक्टर है, मोटर स्पीड रोलर है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर के ब्लॉक में होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये इसकी वर्किंग है। तो सबसे पहले हमारे पास में ए लॉन्ग रोल ऑफ ग्राफ पेपर मूव आइदर हॉरिजेंटली और वर्टिकल, ये अलग अलग कंपनी की जो इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं वो पेपर को मूव हॉरिजेंटल भी कर सकती है और वर्टिकल भी कर सकती है। तो एक रोल ऑफ ग्राफ पेपर उसमें अटैच रहता है। द स्पीड सेलेक्टर इज जनरली इज प्रोवाइडेड, और वो पेपर जो ग्राफ पेपर है उसकी स्पीड सेलेक्टर प्रोवाइड रहता है, वहाँ से अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है चार्ट स्पीड सेलेक्टर, तो इस चार्ट की स्पीड अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज सेलेक्टर से किस रेंज के बीच में स्टाइलिश चलेगा इस पेन की, वो भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पेन को ड्राइविंग सिस्टम के लिए कोई ना कोई सर्वो मोटर लगी होगी, उसकी सहायता से पेन को मूवमेंट कर सकते हैं एक्स वाई डायरेक्शन में, और पेपर को मूवमेंट देने के लिए यहाँ पर मोटर, पेपर ड्राइवर, यहाँ भी एक सर्वो मोटर लगी जो पेपर को मूवमेंट प्रोवाइड करती रहेगी हमारे पास में। द इंडस्ट्रियल स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर यूज पेपर स्पीड 1 मिलीमीटर पर सेकेंड 200 मिली, ये इंडस्ट्री में भी काम आता है, जहाँ पर इंडस्ट्री में कोई भी वाइब्रेशंस वगैरह होते हैं उन वाइब्रेशंस को नोट करना हो, या अर्थक्वेक को नोट करना हो, कोई भी चेंजेस अगर नोट करने होते हैं तो वहाँ स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर को अपन यूज़ कर सकते हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट है वो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से लेके 100 मिलीमीटर पर सेकेंड तक यूज़ करते हैं, पर बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में अपन बाद मेडिकल बात करें तो यहाँ पर 25 से लेके 50 मिलीमीटर पर सेकेंड वाले इंस्ट्रूमेंट्स अपन जनरली यूज करते हैं। ए रेंज सेलेक्टर स्विच इज यूज सो दैट इनपुट ऑफ द इंडस्ट्रियल स्ट्रिप चार्ट ड्राइवर सिस्टम विद इन द एक्सेप्टेबल रेंज। ये रेंज सेलेक्टर स्विच है, ये हमारे पेपर को, स्टाइलिस को इस रेंज से बाहर नहीं जाने देगा स्टाइलिस को, और यहीं पर एक्स वाई रिकॉर्डिंग होती रहेगी। द मोस्ट इंडस्ट्रियल रिकॉर्डर यूज द पॉइंटर अटैच स्टाइलिस, और जो भी पेन है उस पर आगे पॉइंटर लगा रहता है, और बहुत क्लियर शार्प अपन को वेवफॉर्म उस पर स्केच होती रहती है। दस द शोइंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग रिकॉर्डेड, और जो हमारे बॉडी से मिलने वाले वोल्टेज सिग्नल है तुरंत प्रभाव से इस ग्राफ पेपर पर साथ के साथ स्केच होते रहते हैं। द स्टाइलस फॉर मेकिंग मार्क्स ऑन द मूविंग पेपर इज असेंशियल, यहाँ पेपर का मूवमेंट भी आवश्यक है, और स्टाइलस मूव वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी बीइंग रिकॉर्ड, यहाँ पेपर भी मूवमेंट कर रहा है और पेन भी एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर साथ साथ मूवमेंट कर रहा है। स्टाइलस ड्राइविंग सिस्टम विच मूव स्टाइलस इन नियरली एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ क्वांटिटी बीइंग रिकॉर्डेड, और जो भी हमारी बॉडी से वोल्टेज वगैरह हम इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से रिसीव कर रहे हैं, एग्जैक्ट पूरी की पूरी वो क्वांटिटी उस ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो बड़ा आसान है, ब्लॉक डायग्राम है और सिंपल वर्किंग है, साथ में इसकी एप्लीकेशन लास्ट में हमें जरूर लिखनी चाहिए ताकि हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। और अब अपन देखते हैं नेक्स्ट द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर। जब भी हम ECG की वेवफॉर्म्स वगैरह, हार्ट का टेस्ट करेंगे तो ECG की वेवफॉर्म आएगी, तो वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर ये अपन को ग्राफ पेपर इस तरह से ड्रॉ होकर बाहर स्ट्रिप में मिलने वाला है, और इन सारी स्ट्रिप्स को काट एक रिकॉर्ड जो रिपोर्ट होती है उस पर स्टक कर दी जाती है, और डॉक्टर के लिए रिपोर्ट तैयार हो जाती है, देन उसको डॉक्टर एनालिसिस करता है। ऐसे ही EMG के लिए भी मसल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी यहाँ स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में हम एप्लीकेशन है। एंड ब्रेन के लिए EEG रिकॉर्डिंग है, वो भी इसकी सहायता से अपन कर सकते हैं। दीज सिग्नल आर बीइंग एम्पलीफाइड एंड अप्लाई टू द रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस ट्रेसिंग ऑफ द स्ट्रिप चार्ट पेपर। XY रिकॉर्डर, द XY रिकॉर्डर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव द ग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। यहाँ पर हम पेपर को स्टेशनरी रखते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में वो एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर प्लॉट होकर आती है, दैट नॉन एज ए XY रिकॉर्डर। तो XY रिकॉर्डर इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स राइटिंग डाउन द इंफॉर्मेशन एंड डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ द अदर एक्टिविटी इन ग्राफिकल फॉर्म। और ये सारी अभी पहले भी अपन बता चुके हैं कि ECG, EEG, EMG
ये सारे के सारे वहाँ से जो है वोल्टेज आती है, और बायो इलेक्ट्रोड वोल्टेज इस पे कि बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी दिस सिग्नल आर बीइंग एम्पलीफाइड एंड अप्लाइड टू द रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म प्रोड्यूस द ट्रेसिंग ऑन द स्ट्रिप चार्ट। नाउ लेबोरेटरी में देखिए ये एक्स वाई रिकॉर्डर काम कैसे करता है, एक बार इसकी वर्किंग देख लें ताकि लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये पेपर है, पेपर जो है पहले से स्टेशनरी है, इसका कोई मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर ये एक आर्म है, ये आर्म यहाँ धीरे 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 इसका मूवमेंट होगा, इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ सर्वो मोटर इस आर्म को टू एंड फ्रो मोशन में आगे पीछे अपन ले सकते हैं। सेम इस आर्म के ये क्लच असेंबली पे यहाँ पर एक पैन लगा हुआ है स्टाइलस, ये एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता हुआ स्केच करने वाला है। तो ये एक सिंपल सा एक्स वाई रिकॉर्डर है। तो चलो हम देखते हैं इसकी वर्किंग। यहाँ पर ये स्टाइलस, ये देखिए ये आर्म भी मूवमेंट कर रही है और ये पेन भी साथ में इसके मूवमेंट करता हुआ जा रहा है, और विद द हेल्प ऑफ सर्वो मोटर ये तुरंत आर्म यहाँ से यहाँ आ जाएगी और ये पेन भी कंट्रोल में होता रहेगा और पेन भी हमारा मूवमेंट में स्केच करता रहेगा, और ये स्केच एक्स डायरेक्शन में भी कर रहा है और वाई डायरेक्शन में भी कर रहा है, इसलिए इस रिकॉर्डर का नाम है एक्स वाई रिकॉर्डर। और ये मूवमेंट करने के बाद में बहुत सारी एक्स वाई डायरेक्शन में इसने वेवफॉर्म को ड्रा कर दिया है, लेकिन इस पेपर को अपन ने स्टेशनरी कर रखा है, पेपर फिक्स है, केवल ये आर मूवमेंट हो रही है और स्टाइलस पेन का मूवमेंट हो रहा है। अब एग्जाम में हमें कैसे लिखना है, तो एग्जाम के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ एक्स वाई रिकॉर्डर। अब देखिए एक्स वाई रिकॉर्डर में हमें एक्स और वाई इनपुट मिलने वाले हैं और इनको हमको किसको देना है, एक बैलेंस ऑब्लिक एरर डिटेक्टर को प्रोवाइड करना है। यहाँ पहले से एक रेफरेंस सोर्स हमने फिक्स किया हुआ है और यहाँ पर रेजिस्टेंस की सहायता से अल्टरनेट कर दिया, उसकी वैल्यू पहले से फिक्स कर दिए ताकि पेन का मूवमेंट इससे बियॉन्ड नहीं जाए, इस फिक्स रहे इसके बाद में, और ये आर्म है इसका मूवमेंट भी फिक्स रहे कि इस पेपर से कहाँ तक इसको जाना है। इसके लिए एक यहाँ अल्टरनेटर की आवश्यकता है, तो विदाउट रिओस्टेट अपन ने क्या किया यहाँ पर सिग्नल को अल्टरनेट कर दिया, और दोनों का जो डिफरेंस है वो एरर वोल्टेज के में आउटपुट चॉपर को मिलने वाला है। यहाँ पर चॉपर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, ये एसी का एम्पलीट्यूड कम होता है तो विद द हेल्प ऑफ सर्वो एम्पलीफायर इस को एम्पलीफाई किया जाता है। देन यहाँ पर ये सर्वो मोटर है, ये हमारे पास में एसी सर्वो मोटर है जो पेन को ड्राइव करती है, तो इसको प्रोवाइड किया जाता है। सेम ऐसे ही वाई सिग्नल है या एरर सिग्नल को चॉपर को प्रोवाइड करते हैं, चॉपर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, सर्वो एम्पलीफायर एसी को एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, और इट्स प्रोवाइड द सर्वो मोटर आर्म ड्राइव, इस आर्म को ड्राइव करने के काम में आता है। तो दो हमारे पास सर्वो मोटर है, एक को पेन को चलाने में जो एक्स वाई डायरेक्शन में, और एक हमारे पास में आर्म को चलाने में, ये दो सर्वो मोटर की सहायता से अपन एक्स वाई डायरेक्शन में यहाँ पर पेपर पर कोई ट्रेसिंग कर सकते हैं, पेपर को हमको स्टेशनरी रखना है। ये सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है, इजीली बन सकता है, तो विद द हेल्प ऑफ एचबी डार्क पेंसिल स्केल को यूज़ करें और सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर ये लेबल कर दें, कहाँ कहाँ हमने चॉपर लगा रखा है, सर्वो मीटर है, तो इतना अच्छा डायग्राम हो तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है। अपने सिलेबस की बुक जो है उसके में भी सेम ऐसा ही डायग्राम बना हुआ है, जिस बच्चे को जो आसान लगे वो डायग्राम बना सकता है, और वो ये डायग्राम बनाए या पहले वाला बनाए, या तो एक्स वाई रिकॉर्डर का ये डायग्राम बना दे और या ये वाला बनाए, एक ही बात है, दोनों में से जो डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ भी अपन ने कहा कि दो सिग्नल है, वाई इनपुट और एक्स इनपुट, यहाँ अल्टरनेटर लगा हुआ है और यहाँ बैलेंस सर्किट है, रेफरेंस वोल्टेज यहाँ मिलेगी, दोनों का आउटपुट एरर वोल्टेज मिल जाएगा, इसको चॉपर को प्रोवाइड कर देंगे, चॉपर क्या करेगा डीसी को एसी में प्रोवाइड कर देगा, उसका एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, देन प्रोवाइड टू सर्वो मोटर, सर्वो मोटर इज कनेक्टेड विद द पैन, ऐसे ही यहाँ पर एक सिग्नल है, सेम रेफरेंस वोल्टेज, देन चॉपर एम्पलीफायर, देन सर्वो मोटर इज कनेक्टेड विद द आर्म। तो इस तरह से हमारे पर यहाँ पर एक्स वाई डायरेक्शन में एक स्ट्रिप पर वेवफॉर्म ड्रा होकर ऐसी बनकर आने वाली है। अब कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, तो सबसे पहले हमारे पास में सेल
बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर जो काम कर रहा है, तो क्या करता है, द कंट्रोल द पोजिशन ऑफ रोलर, एक तो रोलर को जो अपन देख रहे हैं कि इसे और एक पेन को, एंड कंट्रोल द पोजिशन ऑफ रिकॉर्डिंग पेन, इन दोनों की सहायता से। और अगेन हमारे पास में एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट कराना है, और वाइल द अनदर सेल्फ बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर सर्किट रिकॉर्डिंग इन पेन वाई डायरेक्शन एट राइट एंगल एक्स डायरेक्शन, वाइल द पेपर रिमेन्स स्टेशनरी पेपर, यहाँ पर फिक्स ही रखा हुआ है। सेकेंड अपन पास अटेनेटर है, अटेनेटर को पहले से अपन 0.5 मिलीवोल्ट प्रेस से फिक्स सकते हैं ताकि पेपर उसकी रेंज में रहे पेन। तो द सिग्नल अटेनेटर इज इनहेरेंट फुल स्केल रेंज ऑफ द रिकॉर्डर ऑफ 0.5 मिलीवोल्ट, द सिग्नल एंड पास टू द बैलेंस सर्किट वेयर द कंपेयर विद द इंटरनल रेफरेंस वोल्टेज। नेक्स्ट अपने पास में एरर वोल्टेज और चॉपर क्या काम में आती है, तो एरर सिग्नल इज द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड रेफरेंस वोल्ट इज फेड टू द चॉपर, और चॉपर इट्स सर्किट कन्वर्ट डीसी सिग्नल टू एसी सिग्नल डायरेक्टली। ये सर्वो मोटर, क्योंकि हमारे पास में एसी सर्वो मोटर है, तो यहाँ पर ये चॉपर जो है ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट सर्वो मोटर इज द, कहते हैं कि हार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का, और दो सर्वो मोटर है, एक पेन से अटैच है, एक इसके आर्म से अटैच है, दोनों को मूवमेंट करने के लिए। तो द हार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द टू फेज लो पावर एसी इंडक्शन सर्वो मोटर, द पेन ट्रेवल्स बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द सरफेस ऑफ द पेपर, द पेन इज अटैच टू मोटर पुली एंड क्लच असेंबली, द सिग्नल इज देन एम्पलीफाइड इन ऑर्डर टू एक्यूट द सर्वो मोटर विच इज यूज टू बैलेंस द सिस्टम एंड होल्ड इट बैलेंस टिल द वैल्यू ऑफ द क्वान्टिटी बींग रिकॉर्डेड चेंज फर्दर। जब तक नई वैल्यू नहीं मिलती है, वो पेन को उस स्तर पर कांस्टेंट करके रखता है। और एप्लीकेशन की अब नेक्स्ट बात करेंगे, तो दोनों ही, चाहे हमारे पास में स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर हो और एक्स वाई रिकॉर्डर हो, दोनों ही जो है एप्लीकेशन सेम है। जहाँ कहीं भी ईसीजी वेवफॉर्म हो या ईएमजी वेवफॉर्म हो या ब्रेन से आने वाली ईजी वेवफॉर्म हो, ये सारी सारी चार्ट पर अपन स्केच कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन दोनों की कॉमन है, तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो एप्लीकेशन सेम लिखनी है, दी सिग्नल आर बीइंग एम्पलीफाइड एंड अप्लाइड टू द रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म प्रोड्यूस द ट्रेसिंग ऑन द स्ट्रिप चार्ट। तो इस बार इस मेन एग्जाम में इन दोनों स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर और एक्स वाई रिकॉर्डर में से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। सब बच्चे अच्छी तरह से ब्लॉक डायग्राम को सुंदर पेंसिल से बनाएं और ज़्यादा मार्क्स पाएं। थैंक यू।